है मेरे ख्याल से वो टीसीएस, उसमें तो कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलना ही था, बाकी की जो सारी स्टॉक्स हैं वहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो मेन चीज यही है कि एक इन्फोसिस ने तो अच्छे नतीजे दिए हैं, बाकी क्या है। आइए वीके शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। शर्मा साहब प्रणाम, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, बहुत कुछ आपसे सीखा है। अरे सर, एक चीज जो आपसे सीखता हूं मैं आपको, वो मैं आपकी तरह कर नहीं पाता, वो है कि किसी भी मुद्दे पे बेबाक दिल की राय रखना। मैं कोशिश करता हूं लेकिन आपके जितना नहीं कर पाता। अगर आप सो में से सो हैं तो मैं सो में बहुत नीचे होऊंगा इसलिए। तो ये जो दिल की बात कहना और बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं होना। अनिल जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप हर एक के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं, और मेरे ख्याल से एक काफी बड़ी सीख है सबके लिए। तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर, आपको भी, और मेरे ख्याल सबसे बड़ा गुरु तो समय है। समय को प्रणाम, क्या बात है, वाह। और फिर हमारा मार्केट, मैंने भी आज यही ट्वीट किया था, मैंने कहा मेरी जिंदगी में दो सबसे बड़े गुरु है, एक तो जिंदगी खुद और दूसरा मार्केट। इन दो से हमने जितना सीखा है उतना शायद ही किसी और से सीखने को मिले। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है तो पहले आपके मैं गुरु मंत्र लेना चाहता हूं, बताइए। आपने वो मजदूर फिल्म देखी है? हाँ, राज बब्बर वाली। हाँ, तो उसके अंदर एक मशीन खराब हो जाती है, हथौड़ी मारने का एक रूपया, तो 1000 रूपये वाली बात है। हाँ, नहीं मुझे मालूम है, लेकिन सबको बताइए। हाँ, एक बार आप सुनाइए। तो उसमें मशीन खराब हो जाती है तो बोलता है कि दिलीप कुमार बोलता है मैं ठीक कर दूंगा। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले 1000 रूपये। उसने ठीक कर दी मशीन। बोले कितने रूपये? 1000। बोला हथौड़ा मारने के? 1000। बोले हथौड़ा मारने का तो 1 रूपये, 999 रूपये इस बात के हैं कि कहां नहीं मारना है। तो मेरे ख्याल से बड़ी बात यह है कि क्या नहीं करें, वो मेरे ख्याल से ज्यादा दिखना चाहिए। सही बात। तो सबसे पहले ये कि जितनी भी हाई डेट कंपनीज हैं जिनकी डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, उनसे परहेज रखें। ओके। आपके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए निहांत खराब है। क्या बात है। दूसरा, जिन प्रमोटर के शेयर्स प्लेस्ड हैं उनको लंबे बांस से भी हाथ न लगाएं। ये अच्छा आइडिया, लंबे बांस से भी हाथ न लगाएं, वाह। मतलब दूर दूर तक उनके नजदीक में आप पाएंगे कि आप अगर लंबे समय के लिए मार्केट में टिकेंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे तो बाकी अन्य चीजें आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बनाई देंगी। ये चीजें हैं जो आपके पैसे बनने नहीं देती, जो पैसे की को तबाही करती। तो दो चीजें ध्यान में रखें, एक तो ये जिन कंपनी में कर्ज है उन्हें न खरीदें, और जिन प्रमोटर ने अपने शेयर काफी ज्यादा मात्रा में गिरवी रखे हैं उनसे रहें आप दूर। ये राय है, गायन ये गुरु मंत्र है वीके शर्मा साहब का। आइए सिमी जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। ये तो निकल रहा है वायदा कारोबार से बात सितंबर सीरीज में, लेकिन कैश में देखेंगे तो वो दिखाएगा आपको लाल निशान में और फ्यूचर्स में दिखाएगा 6% ऊपर। शॉर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो ये मैं पूछ रहा था सर सुबह अविनाश जी से कि ये तो रहेगा नहीं वायदा कारोबार पे, तो डीएचएफएल में तो है बहुत मंदी। शर्मा साहब कोई कमेंट डीएचएफएल पे? देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रा हो गया जी, इस पे कोई कमेंट नहीं सॉरी। पर ये भाव तो बराबर होगा फिर कैश और फ्यूचर का, ऐसा तो कुछ डिस्काउंट कम हो सकता है? और वही बाजार में फैक्टर हो रहा है, अगर कैश ना हिलाओ फ्यूचर 6% ऊपर। जी जी, वो तो रिकवरी उस हिसाब से होती है। तो मेरे ख्याल से अंदाजा यही है कि बाद में शायद आपका भाव सुधरे इसमें। चलिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन देते उसमें मोटर्स, आज ये स्टॉक थोड़ा सा मजबूत है। एक ब्रिटेन की सरकार की तरफ से खबरें भी आ रही थी कि कुछ वो 50 मिलियन पाउंड के लोन की गारंटी वगैरह दी जा रही है, यानी कि वहां पे टाटा मोटर्स को जेएलआर को थोड़ा मजबूती देना चाहते हैं। स्टॉक इसी वजह से 2.25% मजबूत होकर बंद हुआ है। ये ऑटो सेक्टर शर्मा साहब इन्वेस्टमेंट के लायक हो गया, और स्पेशली अगर आप टाटा मोटर्स पर राय देना चाहें तो, या फिर अभी थोड़ा और गिरना बाकी है? ये एक डिस्कवरी प्रोसेस है कि और कितना खराब हो सकता है, और इसका प्रोसेस पूरा जुड़ा हुआ है हमारी अपनी इकोनॉमी से। पहले जब ये टाटा डोमेस्टिकली अच्छा कर रहा था तो फिर वहां खराब कर रहा था यूरोप में, और अब वहां भी खराब है और यहां भी खराब है, और यहां की भी स्थिति कमजोरी है। करेक्ट। तो ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से ये प्रोसेस है, लेकिन अब नए सिरे से इसमें बेचने की जगह नहीं बनती है। इसमें चाहेंगे कि अब यहां से आप इंतजार करें, और मेरे ख्याल से ट्रेडिंग की दृष्टि से पहले लें स्टॉप को, स्टॉपलॉस डाल के जो आपके टेक्निकल एनालिस्ट भलीभांति सुझा सकते हैं, उसके बाद में जब आपको फंडामेंटल रीजंस मिले तब जाके इसको आप उसको खरीदारी करें। तो फिलहाल मैं बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन आप टेक्निकल सलाह ले लीजिए खरीदारी की स्टॉपर्स के साथ। चलिए, टेक्निकल राय खरीदारी की, नितिन जी बताइए खरीदना है क्या? अच्छा, आज बैंक्स एकदम से रडार पर है, चाहे आप निजी क्षेत्र के बैंक्स बोलें जिसमें आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है,
या फिर एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, इन तमाम बैंक्स में खरीदारी, या फिर सरकारी बैंक्स भी ले लेंगे तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सिर्फ बैंकिंग का दिन ऐसा लग रहा है कि होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती सत्र तो काफी बेहतर भी था, 132 पॉइंट्स निफ्टी बैंक ऊपर है, 30,578 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शर्मा साहब, बैंकिंग में बिकवाली हो चुकी है क्या? कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिनको रेडार पर रखने से यहाँ पर खरीदारी बन सकती है? अच्छा, वो जलान कमेटी की रिपोर्ट है, वो भी किसी भी वक्त आ सकती है, तो उसमें भी कुछ सरप्लस अगर मिल गया सरकार मेरे ख्याल सरप्लस इसमें अगर की बात नहीं है, बात यह है कि कितना मिलेगा। मिलेगा तो सही, एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है 1,00,000 करोड़ के ऊपर का, और एक मुश्त मिलता है उससे जी कोई चीज नहीं होती। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में देंगे तो उस बात की उतनी महत्ता नहीं रहेगी, वो तो एक है ही। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो मार्केट है, ये कल जो आईटी सेक्टर बढ़ा और आज थोड़ा ठंडा है और आज बैंकिंग ऑफिस चला है, तो कल आईटी क्षेत्र के अंदर जो इन्फोसिस के रिजल्ट थे और उसके बाद में टीसीएस भी बढ़ा, वो हमको एक जगह पे आराम करने की एक प्याऊ होती है ना रेगिस्तान में, वहां पे थोड़ा सस्ता करके आप रुक के थोड़ा ठहर के आराम कर सकते हैं, फिर ऑफिस चलने लगे। तो जब बैंकिंग आपका नहीं चलेगा तो उस वक्त ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे आईटी और फार्मा, आप वहां पे थोड़ी देर के लिए अपनी जो जैकेट है उसको टांग सकते हैं, हैट पहनते हैं उसको टांग सकते हैं, आराम करके फिर आगे निकले। तो ये जो चला है, मैं इसको मार्केट का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मानता हूं। तो उस दृष्टि से अब जबकि वाकई में जब कितना मालूम पड़ेगा कितना पैसा है, तो ये पीएसयू बैंक जो है क्षेत्र के अंदर अच्छा कर सकते हैं। पर मेरी राय खुद की भी, अभी भी प्राइवेट सेक्टर के वो बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनके अंदर ही है अपना पैसा लगाने के लिए। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पर नजर रखें। और यहां पर 1% की तेजी हो चली है, अच्छी तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पे दोनों ही कर रहे हैं ट्रेड। ट्रेड तो डीएचएफएल में भी हो रहा है, 10% की तेजी फ्यूचर्स में, कैश में 3% ऊपर। तो डीएचएफएल पे ही यहां पर जैसे ही वायदा से बाहर निकलने की खबर आ गई, वैसे स्टॉक हो गया एक्टिव, तो लगातार बढ़ता हुआ स्टॉक। अच्छा वागले साहब, एक कॉल शॉर्ट कवरिंग तो ऐसे वो है एसआरएफ। वागले साहब, इसमें कुछ है क्या इंटरेस्टिंग डेटा? 3% उछला सर ये स्टॉक एसआरएफ, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, वो पॉजिटिव तो है 27.75-28, मैं थोड़ा सा नीचे में 27.50 के आसपास अगर आता है तो मैं बाय करूंगा। यहां पर थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा, 28.20 का मेरा टारगेट होगा। तो शर्मा साहब, हम तो बात कर रहे थे 11,400 के लेवल की निफ्टी आएगी, 11,600 के ऊपर आ गई आज, 11,622 इस तरह देखने को मिल रहा है। रिजल्ट सीजन भी ऑन है, तो ट्रैक क्या कर रहे हैं आप, क्या खरीद सकते हैं मार्केट में, ये बताइए। सूची आपकी रहेगी, बाकी सबकी पूरी होगी। देखिए, यूएस के अंदर जो अर्निंग्स हैं वो कमजोर आएंगी, करीब 3% नीचे नेट प्रॉफिट आएगा। हमारे यहां पे प्रॉफिट्स बेहतर आने की संभावनाएं हैं, और उसको लीड कौन करेगा, जहां पे विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है। विजिबिलिटी कहां है, वो है वन टाइम गेन्स की वजह से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर। ठीक है, तो इन दो स्टॉक्स के अंदर टेक्निकली भी ठीक है, फंडामेंटली भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए हैं, तो नहीं कुछ ऐसा और इसमें गड़बड़ाहट वाली न्यूज मेरे ख्याल से आने को नहीं है। तो उस दृष्टि से ये सेफेस्ट बेट है करंट मार्केट के अंदर। एक दूसरा और सेक्टर बताना चाहूंगा अनिल जी, कल जब मैं देख रहा था तो फार्मा सेक्टर अचानक थोड़ा चुपचाप चल पड़ा है। पिछले सप्ताह इसने, अगर आप अपने तकनीकी विशेषज्ञ को बोले तो देखेंगे कि पिछले वीक का जो कैंडलस्टिक थी वो उसके 3 सप्ताह वाले वीकली चार्ट्स के अंदर उन तीनों को एनगल्फ कर रही है, और अपना ऊपर का जो लेवल है 8,200 वो वहां से ऊपर बंद भी हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये समय आ गया है कि आप इसके अंदर सीरियस दृष्टि डालने की कोशिश करें, फार्मा में, फार्मा के अंदर। तो ये एक सेक्टर है जो अच्छा करेगा, और आप जब कहेंगे तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। फार्मा में कौन अच्छा करेगा वो आप थोड़ी देर में बताएंगे, 10 की कमाई के बिल्कुल के बाद, क्योंकि आपकी तो होती है इन्वेस्टमेंट कॉल। जी जी बिल्कुल, तो 10 बजे मिलते इन्वेस्टमेंट कॉल, क्योंकि हमारे दर्शक कहते हैं भाई आप ट्रेडिंग वाली बहुत ज्यादा तेजी या मंदी किसी भी कम्युनिटी में नहीं है, फोकस इक्विटी मार्केट में ज्यादा। मार्केट ने एकदम मूड बना दिया, लाइट अप कर दिया एकदम, ऐसा लग रहा था कि मामला ढीला है, लेकिन हमारे एक स्पेशल सेगमेंट नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, वो भी आपके सामने आने वाला है, पूजा तैयार है। इससे पहले एक 10 की कमाई का बिगुल पहले शर्मा साहब के लिए, शर्मा साहब देने वाले एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कॉल, और मैं अंदाजा लगा रहा हूं फार्मा कंपनी की होगी। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। बताएं सर जी, ये सेक्टर के बारे में तो पहले अपन जिक्र कर ही चुके हैं जी, और यहां से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो, और मिड कैप्स में खासकर, जहां पे थोड़ी बहुत आप रंगत आते हुए देखेंगे, तो ये बहुत उछाल करते हैं लेकिन वापस उछल जाते हैं, वापस गिर जाते हैं स्टॉक्स, तो सावधानी बरतनी पड़ती है कि आप अपने अभी
कि स्टॉक अभी के भाव से तो वो स्टॉक लें, लेकिन थोड़ा 2-4% 5% नीचे की भी जगह रखें। तो उस स्टॉक का नाम है डिशमन कार्गोजन और ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। करीब 70% इसकी जो सेल्स है वो आती है आपके जो जिसको हम कंपनी के अंदर कहते हैं कि सीआरओ और सीएमओ होती है उनके अंदर 70% वहां से आती है और करीब 30% सेल्स बाकी अन्य चीजों से आती है और उस 70% में से 55% इसकी जो सेल है वो आती है स्विस इसकी सब्सिडरी है। अच्छा तो ये जो कंपनी है ये दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अभी ये जिस वैल्यूएशन पे उपलब्ध है उसके हिसाब से जो इसने अर्निंग्स दी थी मार्च 2019 में वहां पे करीब 14.5% 5 times ये अपना कोट करती है पी के हिसाब से। मेरा मानना है कि आने वाले 2 सालों के अंदर इसके जो नेट प्रॉफिट हैं वो करीब ग्रो करेंगे 25-26% सालाना सीएजीआर बेसिस पे। तो एक अच्छा कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर गेन आपको ये भी पॉसिबिलिटी इसमें मिलती है इस बात के लिए कि जीएसके जिसको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उसका एक ओवेरियन कैंसर के लिए एक ड्रग है जिसका ये एपीआई बनाता है और वो एपीआई उसको जो क्लिनिकल ट्रायल जो थर्ड फेज है उसके अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं जिनकी आगे चल के खुलासा होगा कि कितने पॉजिटिव। ये खबर आज ही आई है जी, उसका नाम मैं बता दूं नीरा पारिब जी। मैं समझदार कि उनको कंफ्यूजन नहीं करें, नहीं बहुत इजी है इसलिए मैं पढ़ पाया है, बाकी एक्चुअली फार्मा जैसा होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता। उसका जो प्रोडक्ट है वो जेजुला के नाम से है तो मेरे का क्यों ये ढूंढते फिरे। तो एसेंशियली ये स्टॉक ठीक लगता है सर इस वक्त, तो मेरे ख्याल से इसको साल भर की अवधि से लिया जा सकता है। हमारे इंस्टीट्यूशनल टीम का ये वो स्टॉक जो मैंने वहां से उठाया है तो वहां पे उनका टारगेट काफी अच्छा है करीब 375 जैसा। वाह, 220 पर चल रहा है, 375 का साल भर का टारगेट रखिए डिशमैन कार्गोजेन। और खबर में बता दूं आज जो है जीएसके फार्मा इनकी एक दवा है कैंसर की, उसका नाम है नीरा पारिब, उसको उन्होंने मंजूरी के लिए दिया हुआ है यूएसएफडीए को। अगर उसकी मंजूरी मिल गई तो डिशमैन कार्गोजेन को फायदा होगा। कैसे होगा? इनके लिए एपीआई जो होता है, एपीआई का मतलब चूर्ण सही बात है आम आदमी के भाषा में चूर्ण, बिल्कुल सही बात। दवा जो गोली बनती है वो उसका चूर्ण, कैप्सूल के अंदर जो दवा है वो चूर्ण, उसको कहते हैं एपीआई। तो चूर्ण जो है वो बनाता है डिशमैन कार्गोजेन। हमारे साथ पूजा भी तैयार है, पूजा भी इसमें कुछ जोड़ना चाहती है कोई आराम से कर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आपको नहीं दिखता हो तो आप, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर हैं जो आपको देख रहे हैं, सही बात ये है। बहुत सही बात है कि आप ये कहते हैं कि इस वक्त नहीं दुख रहा है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा 90 की स्पीड से गाड़ी चलाएं। करेक्ट, अगर आप चौड़ी बाजार में हैं तो आपको गाड़ी पार्क करके जाना पड़ेगा, गाड़ी चलानी तो बहुत दूर की बात। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कन्विक्शन हो, कुछ दिख रहा हो, किरण जी आपके पास है 10 की कमाई, तो अच्छी खबर है ही जिसका फायदा आपको मिले। लेकिन आपकी राय एविएशन सेक्टर पर? एक बार सेक्टर तो फर्स्ट क्लास सर, अपॉर्चुनिटी बढ़ी रही है लोगों के, आम आदमी फ्लाई कर रहा है और आपके जो करियर्स हैं बंद हो गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो अच्छी खासी है। तो अब डिपेंड करेगा कि, क्योंकि इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस वक्त जो मेरे पास फंडामेंटल्स के तैयार नहीं है इसलिए। ठीक बात है, पर इंडिगो और साथ स्पाइस रेट दोनों। आज तो एक बड़ी मजेदार बात है शो खत्म करने में, आज तो शर्मा साहब भी आए। शर्मा साहब जब होते हैं ना स्टूडियो में तो सैल्यूट करने का मजा ही अलग होता है। तो चलिए आप सबसे लेंगे विदा, नितिन जी, कुणाल जी, राकेश जी, आप सबका धन्यवाद, किरण जी आपका भी धन्यवाद, आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, शर्मा साहब, बागल साहब आपका भी शुक्रिया। चलिए शो की समाप्ति हर रोज की तरह, जय हिंद।